हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस गर्मी के मौसम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गुलाब के शरबत की ठंडी ठंडी रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। तो आइए गुलाब का शरबत बनाना शुरू करते हैं। शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम गुलाब के पत्ते लिए हैं और एक चकुंदर लिया है यानी कि बीट रूट। अब हम इसे अच्छी तरह पील कर लेंगे यानी कि इसका ऊपर का छिलका हटा लेंगे। इसका छिलका हटा लिया, अब हम इसके आगे और पीछे के दोनों हिस्से हटा देंगे। अब इसे हम छोटे छोटे डाइस में काट लेंगे। मैंने सारे बीटरूट को काट लिया है। अब बीटरूट को किसी पैन में डालेंगे और उसमें डालेंगे 2 कप पानी यानी कि आधा लीटर पानी। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर उबलने देंगे। अब एक दूसरे बर्तन में हम 1 लीटर के करीब पानी लेंगे। अब इस पानी को हम उबलने देंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे गुलाब के पत्ते। अब इसे चम्मच से हल्का सा मिक्स कर देंगे। अब इसे प्लेट से ढक देंगे और 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारे चकुंदर भी उबल कर तैयार हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे। इसे भी हम ढक कर 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। चार घंटे के बाद आप देखेंगे कि गुलाब के पत्ते का सारा कलर है और जो स्वाद है पानी में चला गया है। अब हम इन गुलाब के पत्तों को छान लेंगे। सारे गुलाब के पत्तों को और पानी को हमने अलग कर लिया है। हमारे चकुंदर भी 4 घंटे तक इसी तरह पड़े हुए थे। अब चकुंदर को पानी के साथ मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। इसमें डालेंगे 15 से 20 इलायची और इसे बंद करके पीस लेंगे। चकुंदर को हमने पीस लिया है, हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम गुलाब का पानी जो हमने बनाकर तैयार किया था। सिर्फ थोड़ा सा पानी डालना है। अब इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसे किसी पतली छन्नी से छान लेंगे। हमने चकुंदर से सारा पानी छान लिया है। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम गुलाब का पानी डालेंगे।
उसी में ही हम चकुंदर का पानी भी डाल देंगे। इसमें मैं डालूँगा 3.5 कप चीनी। अब चीनी को मिक्स करते हुए हम पानी में एक उबाल आने देंगे। इसमें एक उबाल आ गया है, अब हमें इसे रोबजा की कंसिस्टेंसी आने तक उबालना है। आपने बाज़ार में लाई हुई रोबजा तो देखी होगी, बस उसी कंसिस्टेंसी तक आने तक हमें इसे उबालना है। इसे उबालने के बाद हम एक प्लेट में थोड़ा 2-3 बूंद डालकर इसे चेक कर लेंगे। तो हमारा गुलाब का शरबत बनकर तैयार है, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे किसी भी कांच के या प्लास्टिक के बर्तन में डालकर आप 4 से 5 महीने तक इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसे सर्व करने के लिए एक गिलास में मैंने कुछ बर्फ़ के क्यूब्स डाले हैं, उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून रोबजा यानी कि शरबत। अब इसमें डालेंगे एकदम ठंडा पानी। अब इसे चम्मच की सहायता से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा गुलाब का शरबत बनकर तैयार है। आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ।